अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ मैंने बड़ी स्पेशल सी रूटीन शेयर करनी है क्योंकि आज किचन का सारा काम और किचन का होल्ड अप ले रहे हैं कमरान और आज मैंने पूरा दिन रेस्ट करना है। तो कमरान कहते हैं तुम बिल्कुल आज इजी फील करो, आज रेस्ट डे है और किचन की कुकिंग सारी मैं करूँगा। तो चले अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आपके साथ अपने पूरे दिन की रूटीन शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो आज कर रही हैं बेगम साहिबा रेस्ट और इन्होंने किचन दे दी है मुझे, तो आज इनको कराना है रेस्ट और बताना है कि किचन का काम कैसा होता है। तो चले किचन का सारा काम आज हम खुद करेंगे और चले जी आज ये आ गई जी, देखें आज मैं रेस्ट करूंगी और आज कामरान ही सारा कुछ करेंगे। तो मैंने कहा जी करें यशी, मेरी तरफ से कोई बात नहीं है, आज आपको रेस्ट दिया और आज के दिन सारा किचन का काम भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। और क्या क्या खाना है बता दें मुझे आज। आज हमने खाना है मटर पुलाव और साथ उसके रायता। वाह जी वाह, दिन की ये तो आ गई, चले पहले ये दिन को करते हैं। तो चले आज स्टार्ट करते हैं और इनको चाहे रेस्ट करें, मैं क्या याद करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। मैं रेस्ट कर रही हूँ फुल। आज मैंने कमरान से फरमाइश की, मैंने कहा आज बच्चों का खाने का आप ही देखेंगे क्योंकि आज मेरी तबीयत नहीं ठीक, कल मैंने बहुत सारे कपड़े धोए और उसकी वजह से मुझे फीवर हो गया, आज तबीयत ठीक नहीं थी। तो आज मैं फुल रेस्ट के माहौल में, कमरान कहते चलो ठीक है आज खाना इनके जिम्मे और आज बच्चों को राजी करना भी है। जी हमारा मटरों वाला पुलाव जो है वो रेडी हो गया, तो अब खाना निकालते हैं और देखते हैं आज कैसा बना। चलो इस्मा रजा बच्चों आ जाओ, बैठो खाना खाए। चलो जी आ गए हम लोग। इस्मा को चावल वाला चम्मच देना बेटा। जी माशाल्लाह बहुत मजे की खुशबू आ रही है चावलों की। ये बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है और हम लोगों का फेवरेट है मटरों वाला पुलाव और साथ रायता। आज कमरान ने इनको खुश किया, खास तौर पे अपनी बेटी माहा को, है ना माहा जी? मुझे चावल बहुत पसंद है ना, माहा को बहुत अच्छे लगते हैं जी चावल। और इस्मा को मुझे भी पसंद है। इस्मा का ये ज़्यादातर पुलाव बिरयानी इन चीज़ों का ज़्यादा शौक करती। तो चले आगे आपके साथ जो रूटीन होगी वो शेयर करेंगे। आज मेरा रेस्ट डे है और इस टाइम हमने खाना शाना खा लिया है जी और आज इन्होंने मुझसे चावल बनवाए हैं और देखें ये सब कितने सुकून से बैठे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि देखें कितने सुकून से ये बैठे हुए हैं खाना शाना खा। से अगर कमरान ने आज चावल बनाया ना तो मैंने पेट भर के खाना खाया, बहुत मज़ा आया। और आपको अच्छी तरह पता है जब खुद बंदा रूटीन से बनाता है ना तो अपने आप के खाने की वो लज़्ज़त होती है। क्यों इस्मा ये बात है ना, बाबा ज़्यादा मज़े के बनाते हैं ना, है ना माहा जी? मामा रजा मैसा बाबा बहुत मज़े के बनाए हैं ना, आपको वोट दिया है सारा जी। तो इनको अब शाम की इनकी क्या डिमांड है इनसे पूछ लेते हैं जी। शाम को इन्होंने क्या खाना है ये बस देखते हैं। अब तो शाम को क्या खाना है जी? आज हमने खाना है, खाना नहीं हमने पीना है, आज हमने सूप पीना शाम में। वाह जी वाह, डिमांड आ गई जी जी। आपने क्या खाना है जी? मैडम मैडम है ये हमारी जी, मैडम क्या करना है? ऐसा आपने क्या खाना है जल्दी जल्दी बताओ। सूप, सूप पीना। और आप रजा? सूप पीना है। सूप, ये भी सूप है। सूप है, वाह जी वाह, ये सारी वोटें सूप की तरफ जा रही हैं। अच्छा ठीक है, अब और इस्मा कहाँ गई? इस्मा बाहर गई है। अच्छा दूसरी बात ये है कि सूप किस किस चीज़ का होना चाहिए, वेजिटेबल होना चाहिए उसमें? मैंने कमरान से बोला, मैंने कहा मकई डले। माहा रजा मैसा बताओ, मकई मजे की लगती है ना, वो जो कॉर्न होते हैं टेस्ट अच्छा होता है ना उसका, वो भी। और वेजिटेबल में क्या क्या डालें वो फिर ये कि वेजिटेबल सूप बन जाएगा। चले जी शाम की डिमांड इनकी आ गई है और छुट्टी है, अभी मेरे पानी भी भरना है, वो मैं दिखाता हूँ। इन्होंने मुझसे सारा दिन काम लेना है मुझे पता है, और अब मैं पानी भरने जाऊँगा थोड़ी देर तक, तो उसके बाद फिर जनाब शाम के इनका सूप बनाना है। अब तो ये है कि 3-4 बजे के बाद फौरन से ही शाम हो जाती है, तो बस चले कोई बात नहीं, आज हम इंजॉय करेंगे कमरान के साथ। कमरान के साथ, कमरान की शक्ति है भाई है। और ये रेस्ट कर रही हैं जी आज,
आज ये बीमार बनी और आंखें बंद कर ली है देख के मुझे, काम ना कहना पड़े। नहीं भाई, पूरा वीक मैं करती हूँ काम, सब कुछ मैं बनाती हूँ, करती हूँ, हर चीज होके मिलती है। ठीक है, अब आज मेरा रेस्ट का दिन है तो खैर है, कोई बात मैं भी रेस्ट सही करो जी, रेस्ट करो। आप सबको कह सकते कुछ नहीं, आज मैं खुद ही लेटी हुई हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, वरना तो पूरा वीक नहीं मिलता। नहीं कामरान बहुत अच्छे हैं, ये तो गलत बात हो जाएगी ना, पूरा दिन आज इन्होंने मुझे किचन में नहीं काम करने दिया, तो इसलिए थैंकफुल कर देते हैं। चलो वेलकम। सुबह किस चीज़ का पेपर है जी इनका? ये नाजरे का है। हाँ जी, क्या पोजीशन है नाजरे की जी? रजा आपका क्या मसला है, नाजरे की तैयारी की नहीं क्या? सही बताओ, वो कह के नहीं है नाजरी? नहीं है, सुनने बुला वो कल में सुनने बुला। कौन सा? कौन सा जो हम मस्जिद में नमाज सुनाते हैं। अच्छा, रजा तुझे क्या याद है? तेरा क्या क्या सुन रहा है? कल में आज नाजरा सुना था। अच्छा, कल क्या सुनना है उन्होंने? नहीं कल नाजरा है, ये देखो कि नाजरे का तो कल है, ये देखो ना 21 को है नाजरा, प्रेप का भी, जूनियर का भी और सीनियर का भी। नाजरे का है तुम्हारा भाई? नाजरे का है। हाँ तो फिर नहीं, तो उसकी क्या मतलब, क्यों नहीं है उसकी पांचवा थोड़ी सी गड़बड़ कर गई हो, चलो बहरहाल ठीक है, गुजारा हो जाएगा। चलो रजा अब आप चौथा कलमा सुना दो जल्दी से। चौथा कलमा दो ही तो ही मेरे गेला लाए रहा लाऊ लाऊ अल मुल्कु वलाहु अल हम्दु यो ही वी उमीदु अमदन वाहुआ वाहुआ। वो सही पढ़ रहा था ना? सही पढ़ रहा। अमदन 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 जिल जलाले वाले क्राम अमदन अमदन जिल जलाले वाले क्राम ब्याह वाहुआ वाला कुलचे। शाबाश। चलो यानी सुबह के पेपर की तैयारी हो गई है नाजरा की। ठीक है,